चलो ध्यान दो। आज पढ़ रहे हैं किसके बारे में? रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। किसके बारे में? है ना, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को क्यों कहा जाता है, इसको समझना है। तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का परिचय जानिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसको समझना। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय में। बेगूसराय कहाँ? बिहार में। कहाँ? बिहार। और बिहार में इनका जन्म हुआ और निधन हुआ कब? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। इनकी माँ का नाम जो था मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। माँ का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। और देखिए कि 1928 ईस्वी में इन्होंने मोकामा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। और वे जो थे कि एचई स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक रहे, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर आसीन रहे, है ना। तो देखिए दिनकर जी बहुत बड़े कवि भी थे और कवि के साथ साथ लेखक भी थे, गद्यकार भी थे, यानी गद्य की रचना की और पद की रचना की। गद्य जिसमें कहानी होता है, जिसमें क्या होता है? कहानी। और पद जिसमें कविता, ठीक है। इंग्लिश में गद्य को हम लोग प्रोज कहते हैं, PROSE। एक दिन और बताए थे, इंग्लिश में गद्य को प्रोज कहते हैं और पद को पोइट्री कहते हैं। पद को पोइट्री कहते हैं। तो दिनकर जी की जो कुछ अनमोल रचना है, जिसमें जैसे कि प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, ये सब जो है इनकी प्रमुख कृतियों के अंतर्गत आता है। और इसके बाद कुछ और कविता और कुछ रचनाएं हैं, जैसे मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, व्हाट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी इत्यादि। दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उसको। भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, नवाजा गया, ठीक है। अब आगे देखिए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रस्तुत कविता है, जिसमें भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है, उदय का जय घोष है, हमारा देश आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद हमारे देश में लोकतंत्र बहाल हो गया। और हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में कौन मालिक होता है? जनता मालिक। लोकतंत्र में कौन मालिक है? जनता। तो उसी जनता मालिक के सम्मान में ये कविता इन्होंने लिखे हैं। सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है। कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व भी है। क्या महत्व है? ऐतिहासिक महत्व भी है। अब देखते हैं कि हम जनतंत्र का जन्म कविता को पढ़ते हैं, इसको समझना है। कहते हैं, कवि कहते हैं कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुखबुगा उठी, सदियों की ठंडी बूझी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कविता कितना मस्त है, समझना है इसको। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझाएंगे। सदियों की ठंडी बूझी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ते वही,
जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। आगे कहते हैं, जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुदमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर हो सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भुडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उजर जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में तौ कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राबाद का अंधकार बिता गवाच अंबर के दह के जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमरते आते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, 33 कोटि जनता के सिर पर। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़क पर सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावरे और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो रह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब इसको समझना, इसका अर्थ समझिए, है ना। कहता है, सदियों की ठंडी बूझी राख सुबुगा उठी, सदियों मतलब वर्षों, ठीक ना, वर्षों से जो ठंडी बूझी राख थी वो सुबुगा उठी, ऐसा लगता है मानो देश जब आजाद हो गया, ठीक है, और आजाद देश में जब पहली बार हमारा संविधान लागू हुआ है तो लगता है कि आदमी की बात कौन पूछे, कवि का यहाँ भाव है कि आदमी की बात कौन पूछे, ऐसा लगता है मानो राख जो है वो भी सुगबुगाने लगी है, जो जिसमें प्राण नहीं था आज़ादी के बाद, ऐसा लगता है कि उसमें एक प्राण आ गया है ना, और जो ऐसा लगा मानो कि जो गुंगा है वो भी बोलना शुरू कर दिया है। तो कहता है, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, राख तो सुगबुगा उठी बाबू, उससे आगे देखो ऐसा लगता है कि मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, इठलाना मतलब इतराना है ना, घमंड में चूर रहना, समझ में आई बात ना। तो सोने की कौन, सोने की ताज पहन के इठलाती है, मिट्टी, कौन मिट्टी, मिट्टी। और दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, नाद मतलब होता है स्वर आवाज ध्वनि है ना, नाद मतलब स्वर आवाज या ध्वनि, रथ जब चल रही है उसका तुम घर घर नाद सुनो, और ए मूर्ख बेवकूफ फिरंगी विदेशी, चलो हटो, क्यों हटो, क्योंकि सिंहासन खाली करो, किसके लिए सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आती है, जनता का अब जो है क्या होगा, जनता का राज है ना, जनता का राज है ना, इसीलिए जनता के सर पर धरो ताज है ना। कहता है क्यों हटे, क्यों खाली करें, तो कहता है जनता है ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो क्वेश्चन है, जनता कौन, जनता है ना, कहता हाँ जनता, जनता हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, मिट्टी की मूरत,
मिट्टी की मूरत को तुम पानी में रख दो कि धूप में रख दो कि छांव में रख दो, आग में रख दो, कहीं रख दो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो मिट्टी का मूरत है। समझ भाई बात ना, उस पर तुम फूल चढ़ा दो या जूता का माला चढ़ा दो कोई मतलब नहीं, वो तुम पर डिपेंड करता है। तो कहता है हाँ जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ते वही जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, है ना, जारा हो पाला हो सब में जो है कसक सह रही है। कसक मतलब टीस, दर्द, वेदना, कलेश, पीड़ा, है ना, समझ में आई बात ना। तो जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, और आगे देखिए, जब अंग अंग में लगे हो सांप हो चूस रहे, जब सांप भी उसका अंग अंग चूसना शुरू कर देता है, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। सांप भी मुंह उसका शरीर को चूसना शुरू कर देता है तो तब पर भी वो मुंह नहीं खोलती है। तो सांप का अभिप्राय क्या है यहाँ पर, इसको समझना है। सांप किसको कहा गया है? तो सांप कहा गया है नेताओं को। किसको कहा गया है? नेताओं को, फिरंगियों को, है ना, जो सत्ता पर आसीन है और जनतंत्र में अपने आप को क्या समझ रहा है कि मालिक समझ रहा है। नेताओं को क्या कहा गया? सांप कहा गया। क्या कहा गया? सांप, है ना। एक जगह हम फेसबुक पर देख रहे थे कि एक बगल जो है सांप था, नागफनी का दिन था, तो सांप का चित्र दिया हुआ था, सांप का चित्र दिया हुआ था। वहाँ पर एक नेताजी जो है एक ग्लास में दूध लिए हुए हैं और सांप को डाल रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, है ना। और वहाँ पर नीचे में एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी, वो तुमको सुना रहे हैं, लिखी हुई थी एक बहुत सुंदर पंक्ति थी, ये कलयुग भी कैसा कैसा दृश्य दिखा रहा है, ये कलयुग भी कैसा कैसा दृश्य दिखा रहा है, सांप ही सांप को दूध पिला रहा है ना? ये कलयुग भी कैसा कैसा दृश्य दिखा रहा है, सांप ही सांप को दूध पिला रहा है। यानी नेताजी भी सांप है और वहां पर सांप है ना? ठीक है, ये कलयुग भी कैसा कैसा दृश्य दिखा रहा है, सांप ही सांप को दूध पिला रहा है। तो किसी ने लिखा नीचे में कि नहीं, सांप नेताजी सांप को दूध पिला रहा है। बोला नहीं, नेताजी का ना कोर्स खत्म हो गया है जहर का, इसीलिए सांप से जहर भरवा रहा है। नहीं रे, सांप से जहर भरवा रहा है। चलिए आगे कहते हैं, जनता हाँ लंबी, हाँ जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है, जनता इस पर क्या? लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, वेदना क्लेश दर्द टीस कसक सहती है, है ना, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। देखते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर जनता क्या कहती है। ठीक है, लंबी लंबी जीभ की वही कसम, हम जीतेंगे, नेताजी से भाषण देते ना, हम जीतेंगे तो पुल बना देंगे, ठीक है, हम जीतेंगे तो बिजली देंगे फ्री में, पानी देंगे फ्री, ठीक है, सब कुछ देंगे फ्री, हाथ जोड़कर वोट मांग लेते हैं कि सब आदमी हमको वोट दे दीजिएगा, जीतेंगे। और जब जीतने के बाद क्या करते हैं, बोले तो हाथ जोड़कर वोट मांग ली, जीत गए तब इसके बाद क्या करते हैं, थप्पड़ दिखाते हैं और कहते हैं पहले तेरी बारी थी और अब मेरी बारी है, है ना। इसीलिए जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। हमें कविता लिखे थे, है ना, आम आदमी तो सिर्फ वोट देने को ही पैदा हुआ है, मेरा एक किताब है कसक, उसमें पढ़िएगा ना, तो उसमें पता चलेगा कि उसमें लिखे, यहीं से हम इंस्पायर हुए थे, तो वो पंक्ति लिखे थे, चुनाव का समय जब जब आता है
नेताओं के बीच तनाव बढ़ जाता है, चुनाव का समय जब जब आता है नेताओं के बीच तनाव बढ़ जाता है, अपने हो जाते हैं पराए, पराए हो जाते हैं अपने, प्रचार में वादों के नाम पर बेचे जाते हैं बड़े बड़े सपने, जनता को कभी भी न, अगला लाइन देखिए क्या गजब है, जनता को कभी भी न सभी वादों का फायदा हुआ है, आम आदमी तो सिर्फ वोट देने को ही पैदा हुआ है, है ना, आम आदमी तो सिर्फ, हम लोग जो धरती पर आए लगता है कि वोट दे दो इसके बाद मेरा कोई अधिकार नहीं, जाओ खेला खत्म, ठीक है, गलती तो हम लोग भी करते हैं ना, 1,500-2,000 रुपया के लिए क्या करते हैं, अपना वोट का गलत प्रयोग कर लेते हैं, दारू पी लिए, मुर्गा खा लिए, बस डाटा फीस हाँ पूरा पी लिए, चलो इसके बाद बजरंग बली चौक पर उसको वोट दे के आ जाते हैं, है ना, गजोधर को, है ना, तो हम गलती हम लोग करते हैं ना, इसीलिए जो है गलत लोगों का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। जनता का यहाँ देखिए कैसा उदाहरण दिए हैं कभी कि जनता को मानो एक फूल है जिसे एहसास नहीं, जब मन हो उसको है ना उतार लो, सजा दो, चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता फूल को हम क्या करें, राजा के सब पर डाल दें या सुरबाला के गहनों में गूंथ दें, है ना, या भगवान के मंदिर में चढ़ा दें या सैनिकों के पैर के तले उसको रौंदवा दें, कुछ भी कर दें, फूल को कोई मतलब है, है? फूल का कोई, फूल को कोई मतलब नहीं है, उसको तुम कुछ भी करो। तो इसीलिए कहता है जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, कोई एहसास नहीं है, जब चाहो तभी सजा उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही हो, है ना, कोई छोटी सी बच्ची है, छोटका बच्चा है, जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। बच्चा जब रोने लगता है, बच्चा जब रोने लगता है तो उसको क्या करता है, चार पांच को छोटा मोटा खिलौना दे दिया, झुनझुना बजे तेर हो, ठीक ना। तो जनता भी जब क्या कहते हैं आवाज़ उठाने शुरू कर देती है, पेट्रोल का दाम सब कुछ करो कि अभी पेट्रोल का दाम हो गया 98 रुपया, ठीक है, तो अपना लोग आज आंदोलन करेंगे, चलिए रोड पर सब आदमी आंदोलन करेंगे, यहाँ से केंद्र सरकार तक आवाज़ जाएगी, राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक, सत्ता पर जो काबिज हैं उस पर आवाज़ जाएगी, तो हम लोग पूरा एकदम नारा लगा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं ना, 98 रुपया 35 पैसा है पेट्रोल का दाम, है ना, सब आदमी नारा लगाएंगे, बस तो सरकार हमारी मांग को मान लेगी, चलिए मान लेगी तो मानेगी तो क्या करे, जानते हो 35 पैसा कम कर दिया, कितना पैसा कम कर दिया, 35 पैसा कम कर दिया, ठीक है, चलिए सरकार कहेगी क्या कि चलिए हमने 35 पैसा कम कर दिया, आपकी बात को मान लिया, ठीक है, झुंझुना पकड़ा दिया, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं, 80 रुपया से 98 रुपया हो गया और नारा लगाया हम लोग, ठीक है, नारा लगाने के बाद क्या हुआ कि 35 पैसा कम कर दिया, समझे ना, नारा कौन लगाता है, पहले नारा लगाने वाले लोग जो थे वो योद्धा होते थे, और आजकल जो है नारा लगाने वाले को बेचारा समझा जाता है ना, ये बेचारा है इसीलिए लगा रहा नारा है, और नारा लगाने के पास बात जनता के पास कोई चारा नहीं है, ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता तो पहली बात है कि मिट्टी की मूरत है, दूसरी बात है कि जब उसको सांप भी उसके अंग अंग को चूसने लगता है फिर भी जनता मुंह नहीं खोलती है, और फूल भी है जनता, जिसको आप सजा लीजिए, उतार लीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और या कोई दुधमुही है जिसको हम चार पांच को खिलौना दे देंगे जंतर मंतर, और उसी में वो क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आगे देखिए कि जनता का अगला रूप क्या है, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, कोपाकुल मतलब क्रोधित होकर, जब भ्रिकुटी मतलब भों चढ़ाती है,
दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता जब गुस्सा गई ना तो बस बड़का बड़का का हालत खराब हो जाता है, ठीक ना। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। अब समय बदल गया ना, ठीक ना, तभी तेरा समय था, अब जनता का समय है। एक समय पर एक कविता लिखी, छोटी सी कविता है ना, समय जीवन का है चक्का, समय जीवन का है चक्का, अपने चाल से कर देता सबको हक्का बक्का, जिसने भी समय का मोल किया अपने को सेकेंड पर तौल लिया। देखो बाबू, अपना एक एक समय जो है, एक एक पल को बिताना नहीं है। समय जीवन का है चक्का, अपनी चाल से कर देता सबको हक्का बक्का, जिसने भी समय का मोल किया अपने को सेकेंड पर तौल लिया, उसका जीवन चलता वैसे जैसे क्रिकेट का चौका छक्का। क्रिकेट का चौका, देखते हो क्रिकेट में जब चौका छक्का लगता है लोग कितना ताली बजाता है। समय हमारा, समय जो क्या है, समय ही धन है, समय ही धन, इसी पर आधारित हमारा जीवन है। समय ही धन है, इसी पर आधारित हमारा जीवन है। समय के साथ चल, समय के साथ चल, न कभी लगेगा धक्का, जीवन के हर रन में तेरा जीत है पक्का। नहीं, समय के साथ चल, न लगेगा कभी धक्का, जीवन के हर रन में तेरी जीत है पक्का। समझ में आई बात ना? आगे देखिए, लेकिन होता भुडोल बवंडर, जनता जब कोपाकुल हो भिरकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में तौ कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है ना। भुडोल बवंडर हो जाता है जनता जब हुंकार लगाती है ना, तो बड़ा बड़ा जो सुरमा भोपाली जो गद्दी पर बैठल है ना, सब खत्म। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है ना, जनता जब, जनता का जो गुस्सा है ना, जनता जब क्रोधित हो जाती है तो इसके सामने ना बड़े बड़े लोग टिक नहीं पाते हैं, और सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, जनता जब जिस रास्ता से गुजर रही है ना, उसका रास्ता को कौन रोकेगा, रोक देगा, हिम्मत है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, तेवर नहीं है समय के पास, समय भी जो है ना उसी के साथ चलना शुरू कर देता है, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है ना। जनता जब चलती है तो उसके पीछे पीछे कौन रहता है, काल भी रहता है, ठीक है। और जनता के गुस्सा के आगे काल का भी दाल नहीं गलता है, इसीलिए काल उसका साथी हो जाता है, समझे कि नहीं रे, काल का भी दाल वो इसीलिए जो है कि वो उसके साथी हो जाता, चल हम भी तेरे साथ जाएंगे, है ना, क्योंकि मेरा भी इधर जो है पद प्रतिष्ठा है, हम तुम्हारे साथ जाएंगे तो कुछ पद प्रतिष्ठा मिलेगा, है ना, कुछ लोग मिला जिसको हम खाएंगे कचाक न। अब तो शताब्दियों सहस्त्राबाद का अंधकार बिता गवाक्ष, अंबर के दह के जाते हैं, है ना, बिता गवाक्ष, अंबर के दह के जाते हैं। गवाक्ष, गवाक्ष जो है क्या होता है, गवाक्ष गो जोर अक्ष बराबर गवाक्ष, है ना। गवाक्ष मतलब यहाँ पर जो है ऐसे, यहाँ पर होता है बड़ी खिड़की या दरीचा या रोशनदान टाइप का होता है तो लेकिन गवाक्ष का और दूसरा भी मीन्स हम लगा सकते हैं कि जैसे गवाक्ष शब्द है तो हमारी जो संस्कृति है वो गौ के पर आधारित है, तो है ना, तो गौ, गौ मतलब गाय, जोर अक्ष मतलब गाय का जो अक्ष है यानी आँख जो है, ये आँख है ना, उसको उसको भी हम लोग गवाक्ष कहते हैं। यहाँ पर गवाक्ष का ऐसे अर्थ हुआ रोशनदान, क्या हो गया, रोशनदान, खिड़की या दरीचा जो महलों में होता है। तो कहता है कि यह और कोई नहीं जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं, है ना, तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार के सीने को भी फार करके क्या हो जाता है जी, जनता अपने सपना को पूर्ण कर लेती है, वो अजय सपना देखती है, समझना ही बात न। अब आगे देखिए कहता है क्या, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा,
आज जो है ना सबसे विराट जनतंत्र का जगत का जनतंत्र आ पहुंचा है ना, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, जगत मतलब संसार। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, जिस दिन कविता लिखी गई थी, जिस दिन ये कविता लिखी गई थी, जिस समय, उस समय हमारे भारत की जनसंख्या क्या थी, 33 करोड़ थी। कितनी करोड़ थी? और आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130 से 135 करोड़ है। तो आज अगर ये कविता लिखी जाती, आज रामधारी सिंह दिनकर अगर कविता लिखते तो क्या लिखते, 135 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, नहीं लिखते जी, तभी लिखे 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, आज लिखते 135 कोटि सिंहासन तैयार करो। कहता है सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं, अभिषेक आज प्रजा का है। किसका अभिषेक है? राजा नहीं है, प्रजा का अभिषेक है। क्या कहता है कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, क्यों? क्योंकि 33 करोड़ तभी जनसंख्या थी भारत की। सिंहासन आज राजा का नहीं सिंहासन होने वाला है, आज प्रजा का अभिषेक होगा, आज राजा सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, प्रजा जो है सिंहासन पर बैठेगी। अभिषेक मतलब तिलक होता है, आज प्रजा का राज तिलक होगा, क्या होगा है ना। और आज जो है 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरना है, कितना करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरना है, 33 करोड़, कविता में 33 करोड़ लिखा गया है। आगे कहते हैं, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मूर्ख पगले बेवकूफ, है ना, आरती लेकर के ढूंढ रहा है तू मंदिरों राजप्रसादों तहखानों में, वहां देवता थोड़ी है, देवता नहीं हुआ ना, तो कहाँ है, तो देवता मिलेंगे, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। आज के देवता कौन है? आज का देवता है किसान मजदूर, कौन है? किसान मजदूर, समझे ना, वही है, क्योंकि किसान जो है वही इंसान का पेट भरता है, तो किसान है ना देवता हुआ। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश, भारत कृषि प्रधान देश है ना, भारत देश कृषि प्रधान है, किसान यहाँ का शान है, यही मेरुदंड है हमारी अर्थव्यवस्था का, इसी के कारण विश्व में हमारी पहचान है, ठीक ना। तो यहाँ कहते हैं, ए मूर्ख पगले बेवकूफ, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, है ना। इसी पर एक कविता लिखे थी यहीं से इंस्पायर होकर के, है ना, हम लिखे थे, भगवान नहीं मिलेंगे तुमको मंदिर मस्जिद गिरजाघर में, भगवान नहीं मिलेंगे तुमको मंदिर मस्जिद गिरजाघर में, ये बात गांठ बांध लो अपने हृदय के अंदर में, भगवान नहीं मिलेंगे मंदिर मस्जिद गिरजाघर में, ये बात गांठ बांध लो अपने हृदय के अंदर में, मन को थोड़ा शांत करो, मन को थोड़ा शांत करो, अपनी सोच का विस्तार करो, अपनी सोच का विस्तार करो, मन को थोड़ा शांत करो, अपनी सोच का विस्तार करो, कलयुग में भी हरी नजर आएंगे तुमको खेती हर में, कलयुग में भी हरी नजर आएंगे तुमको खेती हर में, खेती हर यानी किसान मजदूर, समझे ना, जो खेतों में काम करते हैं उसी को हम खेतीहर कहते हैं। तो कहता है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खाली खलियानों में। और जब देवता मिलेंगे, आज जो है ना गोली बंदूक से किसी को सजा नहीं मिलने वाला, अगला लाइन में है, फावरे और हल राजदंड बनने को है, फावरे और हल राजदंड बनने को, फावरे समझते हैं ना जी, इस तरह से था ना, जैसे कोई सामान वामान को गिट्टी उट्टी हटाता है ना जी, है ना, और हल तो समझते हैं, हल किसान जिससे हल जोतता है, खेत जोतता है ना जी, उसी को हल कहते हैं, है ना, ठीक है, जो हल लेकर है ना खेत